देखिए 4.8 क्या बोल रहा है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सोलेनाइट बोले तो एल 0.80 मीटर, ये सोलेनाइट की लेंथ है। क्या यूज़ होना है हमको नहीं मालूम, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ का यूज़ ही होना हो, जो गिवन हो नोट करिएगा। एंड हैज़ ए फाइव लेयर्स वाइंडिंग, फाइव लेयर्स वाइंडिंग है, तो आप नंबर ऑफ लेयर्स को एन मत लिखिएगा, लेयर्स बोला है तो आप लेयर मतलब, अरे अभी हम बता रहे हैं नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, मतलब जैसे 400 टर्न है उसके ऊपर और एक टर्न है, 400 टर्न उसके ऊपर और एक वाला लपेट दिया, इतने लेयर, तो पांच लेयर बना दी, तो यानी कि एक लेयर में, एक लेयर में कितने टर्न है, 400 टर्न, तो यानी कि कुल लेयर कुल कितने हो गए टर्न, 800 × 5 इतने लेयर हो गए। हैं हमें रेडियस का यूज़ ही नहीं यहाँ करना है, और रेडियस का यूज़ नहीं करना है ना, इसलिए अब जो यूज़ होगा देखा जाएगा, वो इतना क्लोजली बाउंड होती है उसके रेडियस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो आप कहोगे क्वाइल है वो थोड़ा मोटा तार होगा तो अंदर की रेडियस कुछ होगी, बाहर की रेडियस वो उतना एडजस्टेबल होता है। अच्छा, और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर, हम जानबूझ करके यहाँ एन नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों, कितने एन यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ लेयर के लिए एक एन, नंबर ऑफ टर्न्स ए ईच लेयर के लिए एक एन, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एक एन, फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए एक एन, तो कुल कितने एन हो गए। और हमारे यूनिवर्स में कितने एन पाए जाते हैं, ज़्यादातर नहीं उसे तीन पाए जाते हैं, तीसरा एन आप लोग यूज़ नहीं करते। आप लोग इंग्लिश वाली तो पढ़े नहीं होंगे, ऐसे जो ऐसे पढ़ती थी, ऐसे बी लिखते थे, पढ़े कभी, लगभग अब नहीं पढ़ते लोग, पढ़े पक्का, चलो याद है, सब लिख लेते हो, ABCD पूरी आती है, ABCD पूरी आती है, कहा आता है, नहीं आता है, यानी जिन लोगों ने दे जूता हमको मारा, उनकी उनका हमको सब्जेक्ट याद है, अपनी मातृभाषा काका का नहीं आता, आता सबको आता है काका का, सुनाओ काका का, नहीं ऐसे सुनाइए, काका गागा अंगा चा छा जा ना है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अरे थे थे तेरे की यहाँ, अरे नहीं गड़बड़ हो जाएगा नहीं हमको याद है भाई, टा टा डा डा अड़ा ता था दादा ना पाफा पाफा माँ यार अलावा सका था शत्रज्ञा, ठीक है, यहाँ ABCD आती है, हैं नाइन्थ याद कर, ये याद नहीं करे तो मातृभाषा है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर कितना है, 400, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एन से, कितने टर्न हो गए आपके, 400 × 5 बोले तो 2000 टर्न्स हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि क्लोजली वाउंड सोलेनाइट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइव लेयर्स वाइंडिंग टू 400 टर्न्स इन ईच, द डायमीटर ऑफ द सोलेनाइट इज 1.8 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर का मतलब, जो हम सोलेनाइट का मतलब, देखिए दो चीज़ें हैं, जो पूरा सोलेनाइट बन के आया है पूरा, उसका पूरा डायमीटर बोला है आपको, अंदर की लेयर ऊपर लेयर कुछ नहीं होती, पूरा लेयर, ठीक है भाई। मान लिया कहें आप इतने मोटे हैं, तो मोटे हैं क्या मतलब, पूरी जो आपकी बाहर की बॉडी का है उसके अंदर है ना, और उसके अंदर कितने लेयर थिकनेस है, फैट कितना जमा, उसे थोड़े मतलब है, ठीक है। तो क्या दिया है, इसको हम डायमीटर को किसे इंडिकेट कर दें, 2R मान लें चलेगा, यूज होगा देखा जाएगा, 2R कितना है यहाँ पर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 × 10⁻²⁰ मीटर बोले तो R की वैल्यू कितनी होगी, 0.9 × 10⁻²⁰ मीटर, ये रेडियस हो गया आपका, ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड नियर इट्स सेंटर, देखो नियर इट्स सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सोलेनाइड में क्या बताया जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कौन सा एन, स्मॉल एन नहीं, जो फार्मूला होता है मेन, स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ तक नोट करिए पहले, करंट दी है 8 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर, तो यहाँ के बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं ऊपर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन को क्या लिखेंगे,
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एल माना है, एल मानिए, इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷ इंटू कैपिटल एन 2000, आई 8, कैपिटल एल कितना है, कितना था, 80 सेंटीमीटर था, 0.8। अब इसको कैलकुलेट करिए आप, कैलकुलेट करके बी की वैल्यू रखिए। अब चूंकि रेडियस की ज़रूरत पड़ी नहीं हमको, ठीक है, और रेडियस भी आप ये ना समझिए कि बहुत सारे टर्न्स होंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस होती है पूरी रेडियस, ठीक है, वो भी इंटरनल रेडियस से मतलब होता है, जो अंदर की रेडियस होती है। देखिए तो 4, अच्छा ये पॉइंट हटा दें, 0 खिला दें, तो ये 10 टाइम्स आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, इंटू 2 अलग कर दें और 10⁻⁷ ये, और इसके 3 पावर प्लस हो जाएगा, इसका 1 पावर प्लस हो जाएगा, तो 4 × 16, 4 × 8 कर दें पहले, तो 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, 8 × 32, 3 8 × 3 = 11, 1 × 8 = 24 = 25 इंटू 10⁻³। ये कैलकुलेशन देखिए सही है, कैलकुलेशन 2.512 इंटू 10⁻⁴ क्या करेंगे, माइनस का 2 टेस्ला। अब देखिए आप इसको राउंड अप करना चाहें तो राउंड अप कर लीजिए, वैसे तो राउंड अप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से होता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा है नहीं, राउंड अप डेसिमल के प्लेस वन प्लेस तक किए दे रहे हैं, इंटू 10⁻⁔ टेस्ला, तो ये आपका आंसर है। देखो कभी कभी आंसर मैच नहीं करता, क्यों, हम अगर कैलकुलेट करते हैं पाई की वैल्यू, हम कंप्यूटर में लिखते हैं क्लिक पाई, तो पाई 3.14 थोड़ी देगा, कंप्यूटर तो पाई की वैल्यू बहुत बड़ी देगा, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई बहुत बड़ी वैल्यू से करेंगे तो पीछे से कैरी होते हुए आएगा ना, तो कभी कभी आंसर थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए।